खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। राजेंद्र नगर और CCS पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए दो शातिर चेन स्नैचर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बुधवेल बस स्टैंड के करीब में गुज़िश्ता हफ्ते एक खातून के गले से सोने की चेन छीन कर राह फरारी अख्तियार की थी। इस मौके पर राजेंद्र नगर DCP चिंतामणि श्रीनिवास ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई और अपने खिताब में इन्होंने कहा कि नागर कर्नूल ज़िला के थम्माजीपेट गांव के तीरथ पांडू उम्र 36 साल और अथरात सिवैया नामी 23 साल शरपसंदों ने रवा महीने की 16 तारीख को एक खातून के गले से खिस्मतपुर गांव के करीब में 3.5 तोले की सोने की चेन छीन कर राह फरारी अख्तियार की थी। खातून जो कि अपना काम ख़त्म करके घर वापस लौट रही थी। इसके अलावा साल के दौरान दोनों के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज किए गए और इनसे 15 तोले सोने के जेवरात की जब्ती अमल में लाई गई, जिनकी जुमला मालियत 11,10,000 रुपये बताई जा रही है। DCP ने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ शमशाबाद, शादनगर और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन्स में 21 से ज़ायद मुजरिमाना केसेस दर्ज है। हालांकि वो माजी में PD एक्ट के तहत जेल भी गए थे, लेकिन जेल से रिहा होने के बावजूद भी शरपसंदों ने अपनी वही मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रखी और इनके रवैये में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई, जिसके बाद इनके खिलाफ PD एक्ट को दोबारा से लागू किया जाने की भी बात जाहिर की गई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की यह खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एग्जैक्टली 1 वीक बैक वो बुधवेल एक्सटेंशन का क्रॉस कोर्ट्स में इवनिंग 7 to 8 7 बजे के टाइम पे एक औरत बस उतर के दूसरा बस पकड़ने के वास्ते एक ओल्ड एज की लेडी वहाँ खड़े रहे थे। दो आदमी आके, एक आदमी तो उनको ढकल दिया और उसके दूसरा आदमी आके उनके ऊपर फायर लगा के भी वो चेन खींच के गए। वो रात में हुई वो इंसिडेंट और पुलिस स्टेशन के नजीक ही हुई बोल के हम लोगों पूरा, मैं भी वहाँ स्पॉट विजिट करा था वो दिन। वो बाजू में बुधवेल और वो लोगों बहुत लोगों आए थे सर, यही प्लेस में 3 इयर्स से दिस इज द 4th इंसिडेंट, वो 14 बार हुई। उसको कैसा भी पकड़ना बोल के हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम भी ये चैलेंज लिए क्योंकि पूरा ऐसे हेल्पलेस लोगों को बोलते वुमेन और एज्ड में वही टाइम पे होना बोल के वहीं कर रहा बोल के हमको भी चैलेंज लिए थे। जब वो संजय बोल के हमारा क्राइम्स इंस्पेक्टर है और गंगाधर राजेंद्र इंस्पेक्टर और टीम्स वही दिन बैठ के हम लोगों के पूरा ये लोगों को चैलेंज लिए थे, 100% ये केस कैसा भी डिटेक्ट करना ये इज्जत का है। जब ये लोगों ऐसा प्रॉमिस करा लिया, ऐसा ही 1 वीक एग्जैक्टली आज को 1 वीक हुआ, वो दो स्नैचर्स पकड़ा गया वो, और ये लोगों 6 केसेस में अभी तक इन्वॉल्व हुआ, तो वो 6 केसेस में एक प्रॉपर्टी भी बरामद हुई। वो लोगों मुड़ावत पांडू, मुड़ावत सेविया, ये लोगों बिजनेपल्ली का मंडल का है। ये पांडू तो 21 केसेस में अभी स्नैचिंग और हाउस ब्रेकिंग में गया और सेविया उनके संगत जो रहा था ओनली 18 केसेस में रिमांड हुआ है। और ये सेव एक आदमी इसमें 2 साल कन्विक्शन भी काटा फिर भी नहीं बदला, पुलिस ने उनको PD एक्ट में डाले थे दोनों की, वो लोगों PD एक्ट भी काटा और फिर भी आज ये टाइम पे आके हमारा एरिया में फिर एक बार ये ऑफेंस करा। ये केस में बहुत अच्छा क्राइम कांस्टेबल्स है लखन और चंद्रैया और हमारा राजेंद्र नगर का क्राइम में वसंत है और उसमें बहुत शानदार काम कौन कर आप ये अब्दुल्ला AS है, वो मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन है। वो लोगों का इंफॉर्मेशन आते ही वो लोगों वहाँ इससे पहले महबूब नगर में करे गए थे, उन खुद जाके उसको पकड़ के सबको काउंसलिंग करके जब पूरा बरामद करके उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल करा प्ले करे। ये चेन स्नैचर्स को अभी हम और PD में डालने के वास्ते हम भी रिकमेंड करके अभी वो फाइल भेज देंगे। ये आज जो अरेस्ट हुआ वो केसेस में 2022 केसेस वहाँ का 2 है, 2023 केसेस शमशाबाद और शादनगर का भी
ओपोरा केसेस में आज उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहे। और आप भी देखें वो विक्टिम्स जो औरत लोग हैं वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोगों को बुलाए थे, वो फार्माटी है, लोग बहुत इतना खुशी है आप देख रहे। और ये केस में आज ही कोर्ट में वो प्रॉपर्टी डिपॉजिट कर दे रहे, अभी टाइम मिला आज दिला देते, नहीं तो कल तक वो विक्टिम लोगों को वो गोल्ड उनको दिला देने की हम लोग कोशिश करके कल दिला दें। थैंक यू। सर कितने साल के बाद दिल्ली क्या कितने साल के बाद दिल्ली ये अभी ये केसेस है ना, अभी 22 का 2 केसेस, 23 का 3 केसेस, एक परसों हुआ, ये 6 केसेस का प्रॉपर्टी ये है। बोले तो ये 6 प्रॉपर्टी ये 2 साल से उन बाहर ऐसा ही घूम गया। इससे पहले उन पीडीपी गया और रिमांड भी हुआ, 21 केसेस में एक आदमी, 18 केसेस में एक आदमी, इसमें दो जने दो जन। अगर वो लोगों का असल पब्लिक में पेश करना, उसका बेसिस भी क्लियर करना था, लेकिन हमारे को फॉर्मेलिटी रहा था, टीएपी टेस्ट वेरिफिकेशन पे रेड करने के बाद हम 100% वो लोग हर पुलिस स्टेशन में एक बड़ा सा हर गांव में भी दिखना, ये लोगों आए तो जब का जबी यूथ को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो लोगों को पकड़ के हम कहा इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल सकते। थैंक यू। थैंक यू।